तो देखो पूरी ब्रेक प्रेस कर रहा तब भी नहीं लग रही कि अब ये ज़्यादा गर्म हो जाती है तो पीछे वाली ब्रेक लगना बंद हो जाती है। भाई बहुत तगड़ी नींद आई रात को, ऐसे सोए कि पता ही नहीं लगा सुबह के 9 बज गए हैं और 9 बजे निकलना था, तो एज यूजुअल लेट निकलेंगे। कितने 9:30 तक निकल जाएंगे? 9:30 तक निकल जाएंगे। बस नाना और कुछ नहीं, चीज़ें वगैरह सारी चार्ज पे लगा दी थी मैंने 8 बजे उठ के। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, बड़ों को प्यारी बनो, छोटों को हेलो, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, सब ठीक ही हो ना? ठीक ही होने चाहिए। ये हमारा रूम है, कल हमारा रूम थोड़ा ऊपर था, आज थोड़ा नीचे है, ये ऑर्चिड रूम है। सो दिस इज द लोकेशन और रूम देखो, बिल्कुल ये अपना रूम, यहाँ से घूमी मुंडी हमारी और ये हम घुस गए रूम में। सारी चीज़ें वगैरह गैजेट वगैरह वहाँ चार्ज हो रहे हैं, बस नहाने की तैयारी हो रही है, गीज़र ऑन कर दिया है। और ठंड कैसी थी भाई? ज़बरदस्त जबरदस्त, मजा आया, मतलब हाथ जमने वाले हो गए थे कल। तो हालत खराब हो गई थी, एक बार तो स्नोफॉल होनी स्टार्ट हो गई थी बीच में, स्नोफॉल इतनी तगड़ी होनी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन बस किस्मत हमारी अच्छी है, टाइम से नीचे आ गए। अरे आप लोग यहाँ भी ना के मिलता यार, नहाने तो यार क्या करते हो यार। हो गया काम आज तो, बंजी रोड टूट गई है, बट एक और ऑप्शन है, मैं एक और लेके आया था, याद तो है मेरे को, लेकिन अब बैग दोबारा खोलने पड़ेंगे चेक करने के लिए लाया था कि नहीं लाया था। चलो देखते हैं, मिल गई, एक एक्स्ट्रा लेके आया था बस ये, लेकिन थोड़ी छोटी है पर कोई नहीं, काम तो चल जाएगा। और ये पुरानी टूटी हुई, ज़्यादा तेज़ खींच दिया था मैंने, ज़्यादा जोर लगा दिया था। सुबह और रात को ये काम बहुत ज़रूरी है, रात को बैग उतारो, सुबह समेट के फिर बांध दो, फिर रात को उतारो, फिर समेट के फिर बांध दो, यही है ट्रैवलर की लाइफ, और कुछ नहीं हो सकता, ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस अभी अभी निकले हैं ओली से, और ऋषिकेश के लिए नीचे से लेफ्ट रास्ता कट जाता है, जोशीमठ के लिए राइट, तो हमें लेफ्ट जाना है। अराउंड 6-7 घंटे लगेंगे ऋषिकेश पहुंचने में, और हमारा आधे से ज़्यादा ग्रुप मूव ऑन करके आगे, वही रात को हम लेट सोए, फिर सुबह लेट उठे और वीडियो वगैरह भी बनानी थी, फिर ब्रेकफास्ट किया उसके बाद निकले, तो हार्डली आधे घंटे का डिफरेंस होगा, पकड़ लेंगे हम उन्हें रास्ते में, कहीं खाने पीने रुकेंगे तो बात होती रहेगी। और मैंने निकलने से पहले ही अपनी राइडिंग जैकेट का वार्मर और लाइनर निकाल दिया था, बिकॉज मुझे पता था ऋषिकेश में काफ़ी गर्मी रहने वाली है। ये देखिए काम चलता रहता है यहाँ पर रोड्स पे, रोड को आई थिंक चौड़ा कर रहे हैं थोड़े, माउंटेन्स को काट के, जहाँ छोटी रोड है वहाँ चौड़ा कर रहे हैं। और हमारे कैंप्स वगैरह ऑलरेडी बुक है ऋषिकेश में, लगता नहीं है कि टाइम मिलेगा हमें रिवर राफ्टिंग करने का, बिकॉज 11:30 ऑलरेडी हो रहे हैं, पहुँचते पहुँचते वही 3-4 बज जाएंगे और शाम को तो वैसे ही रिवर राफ्टिंग बंद हो जाती है। और अभी भी ऋषिकेश यहाँ से है अराउंड 239-240 किलोमीटर, अभी पीछे बोर्ड निकला था। अगर ज़िंदगी से प्यार है तो काम रखो रफ्तार, कम रखो रफ्तार, सॉरी काम रखो, हिंदी थोड़ी कमज़ोर है तुम्हारे भाई की, धीरे धीरे पढ़ता हूँ, आज जल्दीबाजी में पड़ी तो उल्टी पड़ दी। व्यू देखो एकदम ज़बरदस्त, रोड छोटी सी है
तो मोड़ पे हॉर्न मार के चले और ये खच्चर कहीं भी चल पड़ते हैं। ऐसे ट्री मैंने आपको जाते वक्त भी दिखाए थे, पर्पल पर्पल फ्लावर्स हैं इसके ऊपर, कितना ही बढ़िया लग रहा है, मस्त एकदम। तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं जोशीमठ की तरफ तो आपको रोड्स प्रीटी कूल बहुत अच्छी मिलेंगी, लेकिन अगर आप जोशीमठ से ऊपर माना विलेज के लिए जा रहे हैं तो बीच में दो तीन वाटर क्रॉसिंग रहेंगी और थोड़ी बहुत रोड ऊपर नीचे है, बाकी रोड सही है। फिर माना विलेज से अगर आप माना पास तक जाते हैं आगे तो रोड आपने देख ही लिया, वो तो एकदम से एडवेंचरस हो जाएगा एकदम ही। तो ये जाल भी छाया जा रहा है हमारे लिए ताकि पत्थर वगैरह जो नीचे गिरते हैं वो ना गिरे। तो ऐसे काम चलते रहते हैं माउंटेन एरिया पे। तो अंगद भाई की बाइक का टायर पंचर हो गया, पंचर लग गया, लेकिन अभी भी हल्का की हवा निकल रही है। डालो हल्की हल्की निकल रही है, काट दो इसको, ये थोड़ा आगे चलेगी ना बाइक अपने आप सेट हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं, एक ही पंचर निकला है और जैसे जैसे नीचे उतरते जा रहे हैं धूप बढ़ती जा रही है। एनिमल्स का बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि ये बिल्कुल मोड़ पे भी खड़े होते हैं, जैसे ही आपने मोड़ काटा एकदम से तो हमेशा हॉर्न मारो। वैसे हॉर्न का भी कोई असर नहीं होता, ये हटते नहीं है, तो ध्यान आप ही को रखना होगा, वो नहीं रखेंगे आपका। सिर्फ 100 किलोमीटर रह गए ने ऋषिकेश पहुंचण नु, ते आपा हुण रुकिया कुछ खाण नु। की खाणा वीरे? कुछ भी मिल जाए भरावा, पहले तो पानी मिल जाए, पहले नु पानी मिल जाए, फिर कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, फिर मैगी मिल जाए, फिर पराठे मिल जाए, देवप्रयाग 28 किलोमीटर, और अब कोशिश करेंगे सीधा ऋषिकेश ही रुके, 80-85 किलोमीटर रह गया। तो काफ़ी लोगों को लगता है राइड बहुत इजी होती है वीडियो देख के कि हाँ मतलब बड़ा मज़ा आता है, मज़ा तो आता ही है लेकिन राइड इजी नहीं होती, ज़्यादा गर्मी है तो पसीने, ऊपर से राइड करते करते वीडियो बनाना वो तो बिल्कुल ईजी नहीं होता, बिकॉज पूरा पूरा दिन बाइक चलानी पड़ती है। और आज भी सुबह हम 11:30 से निकले हुए हैं, 5 बज गए हैं अभी तक ऋषिकेश नहीं पहुँचे, क्योंकि बीच में हम रुकते रुकवाते आते हैं, बीच में ड्रोन शॉट लिए, मैगी पॉइंट रुक गए, मैगी वैगी खाई, कोल्ड ड्रिंक पी, कोई अच्छी लोकेशन दिखी बढ़िया बढ़िया फ़ोटो क्लिक्स कर ली, वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी, तो इसलिए टाइम लग ही जाता। नहीं तो अगर हम सीधा सीधा चलते चलते आते बीच में एक स्टॉप लेते तो अभी तक हम ऋषिकेश पहुँच गए होते, लेकिन सीधा सीधा आने का फ़ायदा क्या, राइड पर आएँ तो पूरे पूरे मज़े लेते हुए, कोई लोकेशन अच्छी दिखे तो रुको आराम से फ़ोटो वोटो खिंचवाओ, जल्दबाजी नहीं है किसी चीज़ की। और राइड करते करते आपको खाली शरीर की थकावट ही नहीं होती, दिमाग की भी थकावट होती है। शरीर की तो ऐसे कि आप एक ही पोजीशन पे पूरा दिन बैठे हुए हैं तो कभी बैक में पेन, कभी कहाँ पेन, कभी बम में पेन। और दिमाग की थकावट ऐसे कि आपको दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है कि जैसे अब ये मोड़ आया तो पूरा आपको देख के निकलना पड़ेगा, ये बस आ गई यहाँ से, हल्का सा भी आप उधर होए नहीं तो बस के अंदर किसी को कट मारना, देख के निकलना पड़ेगा, तो दिमाग भी थकता है, तो काफ़ी थकावट हो जाती है राइड करते करते भी। लेकिन ठीक है, जिसको अच्छा लगता है सिर्फ वही कर सकता है, जिसको अच्छा नहीं लगता, कोई ज़बरदस्ती कर रहा है तो बस वो एक आधी राइड मारेगा, उसके बाद बस हाथ खड़े हो जाएंगे कि नहीं भाई अब और नहीं होगा। तो हमें तो अच्छा फील होता है, आदत हो गई है, मज़ा आता है अलग अलग जगह एक्सप्लोर करने में, अलग अलग जगह देखने में। और हम देखते हैं तो सोचते हैं क्यों ना आप लोगों को भी दिखाएं, क्योंकि ऐसी ऐसी काफ़ी जगह है जहाँ पर हर बंदे का जाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम जा सकते हैं तो आपको भी दिखाते हैं ताकि हमारे साथ साथ आप भी एंजॉय करिए। तो यहाँ फिर से एक बारी हवा कम हो गई है, मुझे लग रहा है ना भाई वो वाला पंचर ना बड़ा हुआ था, नहीं इसे पंचर नहीं लगा ना, उसमें छेद वो मोटा था ना, तभी वो कह रहा था दो वो घुसा दो, वही घुसा रहे भाई, इसमें छेद लीक हो रहा, कट लगा हुआ ना क्योंकि ये साइड में इसलिए हो रहा। कहाँ पे कट लगा हुआ है? ऐसे में लगा हुआ ना भाई कट। ओके ओके ओके, अगर छेद तो एक अभी अभी घुसाया आपने? एक ही था भाई इसमें। हाँ तो एक आपने घुसाया ना? हाँ हल्का कर रहा है, अभी भी लीक कर रहा है, देखो ना बुल बुले बुरे हाँ, एक बार देखते हैं दोबारा चला के, नहीं पहले भी हमने यही सोचा था थोड़ा चलाएंगे सेट हो जाएगा। ये वाला नहीं है, दूसरा ही है, ये दूसरा हुआ है, वो
यार, ये तो टायर कैसी तैसी हो जाएगी। तो पहले जो पंचर लगवाया था हमारे हिसाब से वही पंचर दोबारा हुआ है, क्योंकि कट काफ़ी लंबा था। तो 20-25 किलोमीटर चला के चेक करते हैं, अगर हवा फिर से कम हुई एक बार फिर से चेक करवाना पड़ेगा। और वैसे भी ऋषिकेश अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया, 50 किलोमीटर ही रह गया, हार्डली पहुँच जाएंगे 1-1.5 घंटे में। हार्ले में कोई इशू नहीं है, बस एक छोटा सा इशू है, देखो पूरी ब्रेक प्रेस कर रहा तब भी नहीं लग रही, कि अब ये ज़्यादा गर्म हो जाती है तो पीछे वाली ब्रेक लगना बंद हो जाती है। अब ये इशू क्यों है, रिजॉल्व क्यों नहीं हुआ अभी तक ये नहीं पता। तो देखो पूरी प्रेस कर रहा है तब भी लग नहीं रही है, तो बस अब आगे वाली ब्रेक के सहारे ही चलाएगा थोड़ी दूर जाके, फिर ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। ऐसा नहीं है ऑटोमेटिक ठीक हो जाती, लेकिन बीच बीच में रिस्क रहता है, एकदम से लगनी बंद हो जाती है। ओहो ये कहाँ आ गए हम, तो अपना मेरे ख्याल से रिजॉर्ट यहीं पर है। करण भाई ने गूगल मैप लगाया हुआ है अपने फ़ोन में, तो बस ऋषिकेश पहुंच ही गए हैं। ओके सो हियर इज अवर रिजॉर्ट। आओ लाते जाओ बता देंगे, ले आओ ले आओ ले आओ, एक मिनट रुकना जरा, ले आओ पीछे ले आओ, ये रहा देखिए, हाँ लाओ लाओ लाओ, अबे है पंचर है, रुक जाओ आगे लो, हल्की सी आगे लो, है भाई लगा हुआ है, ना ना अबे नहीं लगा हुआ, शर्त लगा, इधर आ जा, ये पंचर नहीं है वही वाला, आओ भाई इधर आप दिखाऊं, नहीं ये वही नहीं है, वो है ही नहीं है, क्या बात कर रहा है तू, अच्छा रुक जा अंगद भाई ये देखो, ये भी अंगद बता देगा, ये रहा कट, यही है, ये निकल गया ना पंचर, फिर से निकल गया पंचर भाई, मैं कह रहा हूँ निकल गया, मान नहीं रहा पंचर निकल गया, ये वो वाला पंचर नहीं है, ये देखिए पंचर ये लगा हुआ, ये देखिए रहा एक कट, ये देख रहा है ये रहा, ये एक दूसरा पंचर हुआ है, ले जाओ फिर आ जाओ, मेरे ख्याल से ना इसके अंदर कोई चीज है जो घूम रही है, टायर को काट रही है, एक बार टायर को ना खुलवाना बेटर रहेगा, ये देखो ना, अरे बोतल है किसी पास, आ रहे हैं ना, हाँ ये लो बस, अब एक घूट पानी, अरे आ रहे भाई ये वो वाला पंचर नहीं है, और नीचे वाला भी चेक कर लो एक बारी, दूसरा पंचर नीचे वाला तो नहीं हो रहा, नीचे वाला करो चेक, वो नहीं दूसरा है, एक मिनट वो नहीं है ना, नीचे वाला वही हो रहा, हाँ ऊपर वाला हो रहा, नीचे वाला ठीक है, चलो यहाँ लगवा लेंगे ना फिर सुबह। तो काफी ऑफ रोड चलाने के बाद थोड़ा बहुत टायर में इशू आ रहा है, पहले एक पंचर था वो लगवाया, फिर वही पंचर दोबारा हो गया, फिर उसको लगवाया, अब कुछ और कट पड़ गया, या तो टायर के अंदर कोई चीज़ है जो घूम रही है उसको काट रही है, और कट भी लंबे लंबे पड़ रहे हैं, छोटे मोटे नहीं है। तो पंचर किट है अपने पास और एयर पंप भी है, तो भर लेंगे खुद ही रिपेयर कर लेंगे हम इसको। सो इट्स टाइम फॉर डिनर, तो एक बार देखते हैं खाने में क्या 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 भैया, राइस राइस और दाल, ये क्या दाल, दाल मखनी, मिक्स वेज, मिक्स वेज, पालक पनीर, पालक पनीर एंड चपाती, तवा भाजी, तवा भाजी, चपाती, चपाती, लास्ट एंड स्वीट डिश, स्वीट डिश में आइसक्रीम एंड सेवई एंड आइसक्रीम। तो ये बस एक मैं वीडियो बना रहा हूँ, खाना वगैरह तो हम सब खा चुके हैं, डन हो गया भाई खाना है? खाना डन, रोटी लेने जा रहा हूँ। अच्छा रोटी लेने जा रहे हो, और क्या, ये नास है ना कुलदीप यादव, क्यों क्या कह रहा है, इसके चक्कर में इतनी टेंशन ले रहा हूँ, खाना अकेले अकेले खा के बैठ गया, मुझे खाना पड़ रहा है, शर्म आ रही नहीं आ रही, इसे नहीं आ रही शर्म कुलदीप भाई को, भाई डूब जा पानी में मर जा, पानी में नहीं इसके लिए वो डाला चुल्लू भर पानी उसमें डूब जा और मर जा। तो बातें करते करते टाइम काफी ज्यादा हो गया, और आपको अपने टेंट्स भी दिखाना भूल गया, तो सुबह दिखाऊंगा। वैसे तो ये वाला अपना टेंट कुलदीप भाई और मेरा, कैसे हो भाई, सो गए थे क्या, और यहाँ एसी लगा है, पीछे वॉशरूम है, अच्छा है काफ़ी, ये कुलदीप भाई का सामान पड़ा है, यहाँ मेरा पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स डे 3 यहीं पे ख़त्म होता है, आज की राइड भी काफ़ी मज़ेदार रही, और कल सुबह निकल जाएंगे हम दिल्ली के लिए, टाइम तो वैसे 8 बजे का फिक्स हुआ है कि सुबह 8 बजे यहाँ से निकल जाना है, रात को सोएंगे तब सुबह निकलेंगे ना। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देना यार, कमेंट भी कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब भी कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।
हैव अ नाइस डे। और ये देखो ये बाऊजी तो नींद में है, सही में सो रहे हो क्या? हाँ तो ठीक है फिर, ये सो रहे तो मैं कुछ जाग रहा हूँ, मैं भी सोऊंगा, बाय बाय।